अच्छा कल हम लोगों ने चैप्टर प्लीज बेटे चैप्टर वन का हम लोग इंट्रो पार्ट किया था है? अच्छा अब एक चीज़ सुनो, अब बताने जा रहा हूँ मैं सॉल्यूशन के, पहले एग्जांपल कवर करेंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज का। देखो इसमें दो तीन बातें आपको याद रखनी हैं, रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कल बहुत अच्छे से बता दें फिर भी जान लो। रिफ्लेक्सिव क्या है कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी सेट में है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट किसी सेट में, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है ए, अगर किसी सेट में है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए, बस ख़त्म। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या है, ए कॉमा बी आपको गिवन होगा कि हाँ भैया इस रिलेशन में ए कॉमा बी है, ठीक है, तो बी कॉमा ए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है, दो कंडीशन गिवन होती है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। अगर ये दोनों गिवन है तब हम लोग चेक करेंगे ए कॉमा सी, अगर एक ही कंडीशन है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। अच्छा सुनो, अगर आपसे कभी बोला जाए कि प्रूव करो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, जब बोला जाए नहीं है तो कोई भी एक कंडीशन आप दिखा दो कि इसमें टू है लेकिन टू कॉमा टू इस रिलेशन में नहीं है, लेकिन जब कहे प्रूफ करो तो फिर सबके लिए प्रूफ करना होगा, ठीक है। जितना मैंने बोला क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, पहले कह रहे हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। एक कौन सा स्कूल है, बॉयज स्कूल है, एग्जाम्पल वन है, सेट का नाम ए है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे मतलब जितने भी लड़कों के नाम होंगे वो सब के सब बॉय होंगे, भैया ये लड़कियों वाला स्कूल नहीं है। फिर कह रहे हैं फिर चेक करो, सो दैट प्रूफ करो रिलेशन आर। आर देखो एक रिलेशन दिया गया है सेट ए को लेके, क्या दिया गया है, ए कॉमा बी ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। कह रहे हैं ये प्रूफ, ये चेक करो कि ये आपका एम्प्टी रिलेशन है, और ये एक रिलेशन और दिया गया आर डैश दूसरा, ये कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ए एंड बी लेस देन 3 meters। कह रहे हैं ये आपको बताना है कि ये हमारा यूनिवर्सल है। अब देखो वैसे देख कर ही पता लग रहा है ये क्वेश्चन एक नंबर में आएगा अगर आया तो। सुनो सेट ए है और जो ए और बी है ना ये सब सेट ए में बिलोंग करते हैं। एक बात सुनो, ये ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, सेट ए में, तो पक्की बात है ए है वो भी कोई एक लड़का होगा और बी है वो भी कोई एक लड़का होगा। फिर कह रहे हैं लड़का इज अ सिस्टर ऑफ लड़का, क्या ये पॉसिबल है, बॉय इज अ सिस्टर ऑफ बॉय, इज इट पॉसिबल इस स्कूल में जब सारे के सारे भैया क्या हैं बॉयज हैं तो सिस्टर कहाँ से आएगी इसमें। तो हम यहाँ लिखेंगे मतलब हम लिखेंगे कि नो वन स्टूडेंट या नो स्टूडेंट कैन बी अ सिस्टर ऑफ एनी बॉय, थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख देना, मतलब कोई भी जो लड़का है ना वो किसी का भी सिस्टर कैसे हो सकता है यार, कपिल शर्मा सो नहीं है, नहीं हो सकता वो सिस्टर। सो रिलेशन आर इज एम्प्टी, मतलब फाई, क्योंकि कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं, क्या हुआ, कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, क्या चमका। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, कह रहे हैं अब इसी सेट के लिए चेक करो द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी ये क्या है, ये बॉयज़ है, इनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 meters से कम हो। 3 meters की अगर मैं बात करूँ 9 feet। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात आती ना जनरल सी एक बात है कि दो बच्चों की हाइट का जो डिफरेंस है वो कभी 9 feet कैसे हो सकता है यार, समझो ना बात को। तो इसमें मतलब जितने भी बॉयज़ हैं उन सब की हाइट का जो हम डिफरेंस करेंगे वो हमेशा 9 से कम ही आएगा, सही बात है। अगर मैं आप लोगों की भी हाइट नापूं, सपोज किसी की हाइट है 1.5 feet, किसी की हाइट है 1 feet, डिफरेंस किया तो आधा फिट आया, है तो 3 meters कमी ना। तो जितने भी बॉयज़ हैं हर किसी के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस सेट को लेके सब के सब ये सेटिस्फाई करेंगे। बट दिमाग में ये मत लाना, होता है बच्चों के कि क्या पता सर एक बच्चा ऐसा हो जो कि 11 feet का हो और एक हो वो 1 foot का हो, दिमाग में ला सकते हो कि हाँ सर हो सकता है कुछ हो गया हो ऐसा, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में मत लाओ, बेफालतू वाली बात है, जनरल वाली बात है हम लोग करेंगे। अगर हम लोग कहते नहीं कि कुत्ता भौंकता है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और सही बात है,
अब बाद में को सर क्या पता आगे जाके लोग बढ़े टेक्नोलॉजी बने तो कुत्ता में आने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का मीनिंग है ये फैक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख के आ जाएंगे, ये बुक की जो भी थ्योरी वगैरह है कि इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस दैट, ये भी साफ साफ बोल रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ एनी स्टोन ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 meters। कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं इट हैज टू बी, मतलब ऐसा होगा ही होगा, द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट हैज टू बी लेस देन 3 meters, सो इट इज़ अ यूनिवर्सल। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सी आपको इंग्लिश में लिख के आना है बस। ठीक है, एग्जाम्पल 2 से है धमाकेदार शुरुआत, तो उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल 2 में सारी बुद्धि लगाएंगे। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें तो आकाश मुझे नहीं, चलो भैया एग्जाम्पल 2 देखो। अब जितने भी एग्जाम्पल हैं अगर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखोगे तो पागल हो जाओगे, क्यों? उसका एक कारण है, उनका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल वाला सॉल्यूशन है, मतलब पढ़े लिखे लोग ही देखेंगे, कुछ समझ पाएंगे, बट मैं मानता हूँ कि बच्चे लोग इतनी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इसका एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा और उससे मेरा सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा भी आपको लगेगा, बट समझ एक एक चीज़ आएगी। ठीक है, तो चलो पहले तो क्वेश्चन समझो है क्या, कह रहे हैं कि टी एक सेट है। अब कह रहा सेट है भैया, उस सेट के अंदर ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन, अब आप प्लेन पर जितने भी ट्रायंगल बना सकते हो वो सारे उस सेट के अंदर है। तो पहले तो मैं समझाऊंगा, लिखना कोई ज़्यादा बहादुरी का काम नहीं है, पहले समझ लो और प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है। अब समझो रहा, टी एक सेट है और इस सेट के अंदर जितने भी प्लेन पर आप ट्रायंगल बना सकते हो सारे इसके अंदर है, मतलब दुनिया के सारे ट्रायंगल इसके अंदर हैं, सारे ट्रायंगल। दुनिया में कितने ट्रायंगल होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलीज, स्केलन, राइट एंगल, एक्यूटेंगल, ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल, ट्रायंगल, सारे इसके अंदर हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर है, मतलब ये रहा ट्रायंगल, ये इस टाइप का, मतलब जैसे भी ले लो सब ट्रायंगल इसके अंदर भरे पड़े हैं, कोई भी ऐसा ट्रायंगल है ही नहीं कि जो इस सेट में ना हो। समझा रहा हूँ अभी केवल, ठीक है। अब इन सेट के एलिमेंट्स को लेके एक रिलेशन बना दिया गया, क्या कि दो P1 T2 दो ट्रायंगल हैं, जब भैया आपने इस सेट में से कोई भी एलिमेंट लिया पक्की बात है ट्रायंगल ही होगा। तो आपको समझाने के लिए मान लो ये T1 है, ये T2 है, ठीक है, अच्छा कैसे हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है कि T1 इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ T2। कॉन्ग्रुएंट तो समझते हैं जो देखने में एकदम हूबहू होते हैं, सेम साइज और सेम शेप जो होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल हैं ये आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कह रहे हैं प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है ये? इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो, सिमेट्रिक प्रूफ करो, ट्रांजिटिव। तो मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की पहले। रिफ्लेक्सिव कहता क्या है? कहता है कोई भी अगर एक एलिमेंट अगर इस सेट में है, जैसे सपोज ये टी है, ये टी अगर ये एक एलिमेंट इस सेट में है तो T, T उसमें होना चाहिए। T, T का मतलब सुनो ध्यान से सारे बच्चे लोग, रिलेशन है T1, T2, फिर क्या है? T1 इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ T2। अगर TT है तो क्या होगा? टी इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल T2, सॉरी टी T1 की जगह T और T2 की जगह T। तो ये बात सही है, कोई भी ट्रायंगल होता है वो खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है ना। कोई भी ट्रायंगल है यार, अगर एक ट्रायंगल है ABC और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू भाई, कोई भी ट्रायंगल अपने तो बराबर होगा ही, तो पक्की बात है ये रिफ्लेक्सिव तो है। पहले समझा रहा हूँ मैं, लिखवा तो इसको दूंगा ही, मतलब कोई भी ट्रायंगल अगर इसके अंदर है तो वो खुद का तो भैया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। अब बात आती है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए जान लो हमेशा एक चीज़ गिवन होती है। मैंने बताया था कि A, B एक जो ऑर्डर्ड पेयर है वो गिवन है, तो मैंने यहाँ पे गिवन ले लिया T1, T2, ये मैंने गिवन ले लिए कि ये तो हैं, तो T1, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये गिवन है। फिर हम चेक करेंगे T2, T1, यस और नो, ये तो चेक करेंगे। अब एक बात सुनो, T1, T2 गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये T1 आपस में ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। देखो तो T2, T1, अब एक बात समझ रहा, अगर T1 ट्रायंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? एक ही तो बात है ना, अगर T1 T2 दो ट्रायंगल हैं और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोई बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है कि T2, T1 भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब T2, T1 भी उस रिलेशन के अंदर होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जो रिलेशन है ना इसने इसके अंदर अगर T1, T2 है तो पक्की बात है T2, T1 भी होगा, क्योंकि बात तो दोनों की सेम ही है ना। चलो
अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में दो कंडीशन ट्रू होती हैं, टी वन टी टू और टी टू टी थ्री। फिर हम चेक करेंगे टी वन टी थ्री। यही तो प्रोसेस होता था, यही तो चलो अब देखो ये गिवन है आकाश सवना, ये गिवन है मतलब टी वन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी टू, ये भी गिवन है मतलब टी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी थ्री। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो पक्की बात है ये इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही तो होगा ना, तो टी वन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी टू, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बस है बच्चों वाली बातें, पर लिखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये चार नंबर का आता है, ठीक है, थोड़ी सी भी गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये समझ लो, ये है कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बच्चों वाली बातें, इसीलिए टीचर्स लोग इस चैप्टर को थोड़ा एंड में कराते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट है इसमें, कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं है, बट समझो ना। अच्छा एक चीज़ सुनो आकर, मैंने ये बोला कि ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है मतलब आपको ये चीज़ गिवन है, ठीक है, कि T1 है वो T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने प्रूफ किया कि T2 भी तो T1 के होगा, क्योंकि ऐसा तो होता है मैथ में, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट तो उल्टे भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ये, ठीक है। अब मैं इसका बताना जा रहा हूँ सॉल्यूशन, पूरे मन से देखना और बहुत ही अलग आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इसका, बुक से हटके एकदम, क्योंकि उससे एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो अब देखो, आप टीचर को, और टीचर बड़ा खुश भी हो जाएगा, आप टीचर को बताएंगे यहाँ पे इसको मैं एकदम प्रॉपर वे में लिख के आऊंगा बोर्ड में, अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। फॉर रिफ्लेक्सिव, आप उनको बताइए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। इफ कोई भी एक एलिमेंट, चलो मैं ए ले लेता हूँ या टी ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा सपोज टी ले लेते, टी बोला गया, इफ टी बिलोंग्स टू सेट स्मॉल टी ले लो, हाँ क्योंकि ये भी टी है, ए ले लो, चलो छोड़ो। अगर कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट अगर रिलेशन टी में है, सेट टी में है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ए कॉमा ए क्या उस रिलेशन में है, अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है। टीचर केवल इतना ही देखेगा आपका, बहुत समझ जाएगा कि भाई बच्चे को रिफ्लेक्सिव का मीनिंग तो पता है। समझो फिर से क्या कहा मैंने, अगर कोई भी एक एलिमेंट उस सेट में है, ठीक है, तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो क्या रिफ्लेक्सिव है, ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से, हम यहाँ पे फिर ये तो कंडीशन हो गई, अब यहाँ पे ब्लो देखो, लेट ए बिलोंग्स टू सेट टी, आप ऐसा लिख के आएंगे। अब एक बात सुनो, टी वन कॉमा टी टू है तो लिखा है कि टी वन इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी टू, यही तो है ना। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ तो ए कॉमा ए क्या होगा, तो ए कॉमा ए आप लिख के आएंगे, ए इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए, यस और नो, कंपेयर करना सीखो। अगर टी वन कॉमा टी टू है तो ये है, अगर ए कॉमा ए है तो ये है, और क्या ये बात ठीक है या गलत है। कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम यहां पे लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, चलिए जी अब आ जाइए। अब आप इनको बताओ फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या क्या होती है, एक ऑर्डर्ड पेयर उसमें होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये है कंडीशन, सुनो क्या है कि अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या बी कॉमा ए भी है उसमें, अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है, यस और नो, यही तो होती कंडीशन। चलिए जी तो अब बस आप उनको बताओ कि लेट ए और बी हैं क्या, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट टी सच दैट, देखो मुझे तो ये याद हो गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस से समझना इसको, ठीक है। अब आपने ये तो कंडीशन बताई, अब आप ये भी तो बताओ यार ए और बी हैं क्या, तो ए और बी एलिमेंट्स हैं जो सेट टी में हैं, और किस तरीके से हैं, और इस तरीके से हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यस और नो। अब एक बात सुनो, अगर ए कॉमा बी रिलेशन है तो होगा क्या यहाँ पे, तो आप क्या चीज लिख के आएंगे कि ए इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी, यस और नो, पक्की बात है ना, क्योंकि जब T1 T2 है तो ये है, A कॉमा B है तो ये आएगा, तो क्या इसी लाइन को, क्या इसी लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो B इज ऑल्सो अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल A,
लिख सकते हो अगर ये है, अब कंपेयर करना सीखो, जब T1 T2 है तो T1 इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल T2, लेकिन B इज आल्सो अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो क्या हम ये लिख सकते हैं B, A आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, समझो ना इस चीज को, अगर B, A है मतलब B इज अ कॉन्ग्रुएंट, सो इट इज सिमेट्रिक। अब देखो मैं आपको बताऊं, आपको भी समझ आएगा और कोई टीचर कॉपी चेक करेगा उसको भी समझ आएगा क्या कि आपने सबसे पहले तो भाई साहब कंडीशन बता दी। NCERT में इसका सॉल्यूशन देख लो यार, मैं ये नहीं कह रहा उनका छोटा लगेगा आपको 3-4 लाइन के अंदर, लेकिन कोई कंडीशन ना आपको समझ आ रही ना कॉपी चेक करने वाले को समझ आई, ठीक है। ऐसी अगली कंडीशन लिख दो, खत्म टाटा। अब देखो फॉर ट्रांजिटिव तो इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं, आप लिखोगे ट्रांजिटिव, स्पेलिंग गलत है ठीक, इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड B, C बिलोंग्स टू, मतलब ये दो कंडीशन गिवन होंगे इसमें, देन यू हैव टू चेक द थर्ड कंडीशन विच इज A, C बिलोंग्स टू सेट R। पहले तो इन दो को चेक करो, अगर ये दो हैं तभी आप इसको चेक करेंगे, ये तो आपने बता दी इनको कंडीशन, फिर आप नीचे लिखेंगे आप कि लेट A, B, C बिलोंग्स टू सेट T सच दैट A, B belongs to relation R and B, C belongs to relation R, yes or no, पक्की बात है। अब ध्यान से सुनो, अगर A, B है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A is a congruent triangle B and B is a congruent triangle C, या इसको चलो ऐसे लिखो A is a congruent triangle B and B is a congruent triangle C। अब एक बात समझेंगे, अब एक सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, B congruent का मतलब बराबरी तो हुआ ना, B किसके बराबर है, तो क्या इस B की जगह C लिख सकते हैं, पक्की बात लिख सकते हैं, या ऐसे समझ लो, या एक जनरल तरीके से A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो A बराबर C होगा, सो A also a congruent triangle of C, so A, C belongs to relation R, so it is transitive। अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो वी कैन से इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो ये एक प्रॉपर मेथड है 4 नंबर प्राप्त करने का, और रखा क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंस का ही आएगा अगर एक्सरसाइज 1.1 से आता है तो। ये इस देखो ये तीनों आपने कंडीशन बताई हैं और उसके बाद आपने सॉल्व करके दिखा दिया, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है इसका, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ हो सकता है क्योंकि इसमें सब कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। अब ऐसे आगे के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई डाउट है आकाश किसी वालों को, मैं गारंटी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो। ये कहते हैं एल विद अ सेट ऑफ ऑल लाइन, जितनी भी लाइन है प्लेन में, छोटी मोटी टेढ़ी परपेंडिकुलर स्क्यू लाइन जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी हमने एल के अंदर है हमारे, फिर कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि आर जो है वो सिमेट्रिक है, मतलब ये जो रिलेशन है ना ये क्या है, सिमेट्रिक है, और लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं। तो चलो देखते हैं भैया, इसीलिए मैंने कंडीशन हटाई रही, इन्हीं में सारा काम हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव कहता है अगर कोई भी एक एलिमेंट सेट टी, यहाँ पे एल कर दो बस, तो A, A उसमें होना चाहिए। अब एक बात सुनो, A, A यहाँ पे लोगों लेट A इज एनी बिलोंग्स टू सेट L। अब एक बात सुनो, A, A का मीनिंग क्या हुआ, A, A का मीनिंग हुआ A इज परपेंडिकुलर है, क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती, इम्पॉसिबल। कोई भी लाइन, जैसे ये एक लाइन है, ये खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, खुद के पैरेलल, खुद के कोइंसिडेंट हो सकती है, परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना ये, तो हम लोग लिखेंगे विच इज नॉट सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पक्की बात है, इंग्लिश पे ना जाएं, चलो सिमेट्रिक कह रहे हैं, सिमेट्रिक क्या, दो कंडीशन गिवन होती हैं कि A, B बिलोंग्स टू, अगर उस रिलेशन में है तो B, A भी उसमें होना चाहिए। A, B का वो रटी हुई लाइन लिखो बेटे, A, B बिलोंग्स टू सेट L सच दैट कि A, B बिलोंग्स टू सेट रिलेशन R, सॉरी। तो A, B का मीनिंग क्या हुआ, कि A परपेंडिकुलर B,
एक बात सुनो, एक लाइन ये ए है, एक लाइन ये बी है, परपेंडिकुलर, तो क्या ये आपस में भी तो परपेंडिकुलर हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ए लाइन है ना वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ बी लाइन भी तो ए के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपस में क्या एंगल बन रही है, 90 बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, बी ऑल्सो परपेंडिकुलर ए, सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो ये क्या करें, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एल और सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये समझो, ए इज द परपेंडिकुलर बी एंड इसका मीनिंग क्या, बी इज द परपेंडिकुलर सी। अब चेक करो ए सी, अब इसको समझेंगे प्रैक्टिकली, ए इज द परपेंडिकुलर बी, ये रही भैया बी हमारे पास और ये रहा हमारे पास ए। अब कह रहे हैं एंड बी इज द परपेंडिकुलर सी, बी इज द परपेंडिकुलर सी, बी जो लाइन है ना ये किसी सी पर परपेंडिकुलर, मान लो ये रहा सी, ये क्या चमका, फिर से समझो ए जो है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर, ए है वो इस बी के क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ए और सी कभी आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्या, पैरेलल होंगी, क्या होंगी वो, पैरेलल होंगी, सो ए डज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन सी, सो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आप ये डायग्राम बना के आपको आना पड़ेगा, जैसे एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है, तो ये डायग्राम आपको बना के, ये अब ये डायरेक्ट मत लिख देना कि ये इसके परपेंडिकुलर ये इसके, तो ए और सी नहीं होंगे, आप ये डायग्राम बना के तो दिखाओगे ना उनको, तो बस ये हो गया, पक्की बात है जी। नेक्स्ट देखें, छोटे छोटे एग्जाम्पल फोर, तो ये तो सिंपल है यार, एक नंबर का है, कह रहे हैं रिलेशन आर। अच्छा एक बात सुनो यार, बार बार मैं एक चीज़ बोलूँगा तो हो सकता है आपको याद भी हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए, जो भी रिलेशन बनता है वो किसको लेकर बनता है, सेट के एलिमेंट्स को लेकर, तो यहाँ तो एक ही एलिमेंट, एक ही सेट है, जबकि रिलेशन के लिए दो सेट चाहिए, क्यों, क्योंकि उन दोनों सेट के एलिमेंट्स के साथ ही तो रिलेशन बनता है, लेकिन यहाँ तो एक ही सेट है, फिर क्या हुआ, तो इसी सेट के साथ, ये चीज़ हिडन होती है, समझ जाना ये चीज़, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक रिलेशन मैंने बनाया है इन सेट के एलिमेंट्स को लेके, 1,1, 2,2, 3, इस तरीके से मैंने एक रिलेशन बना दिया। अगर मैं इसको 11 क्लास के तरीके से समझाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये एक सेट ये रहा 1, 2, 3 और एक सेट ये रहा 1, 2, 3, 1, 1 के साथ कनेक्ट है, 2, 2 के साथ कनेक्ट है, 3, 3 के साथ कनेक्ट है, 1, 2 के साथ कनेक्ट है और 2, ये इस तरीके से, मतलब इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये दोनों सेट सेम है, ठीक है भैया। चलो फिर कह रहे बताओ, ये शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं। हाँ जी भैया, रिफ्लेक्सिव तो है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट, 3, और ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं, देखो जरा 1,1, 2,2, 3,3, तो आप लिखेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव, ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिख के आना है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इट्सेल्फ, जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। और रिफ्लेक्सिव बताता क्या है, अगर 1 है सेट में तो रिलेशन में 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है तो 3,3, एक्स्ट्रा है तो चलेगा। अब लेकिन आते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो एक बात सुनो, सिमेट्रिक में 1,2 है, क्या 2,1 है इसमें, सिमेट्रिक कहता क्या है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए उसमें होना चाहिए, यस और नो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे 1,2 जो है ना वो बिलोंग करता है रिलेशन आर में, यस और नो, लेकिन बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, मतलब 1,2 है तो उसका उल्टा भी आपको उसके अंदर देखना है, तो वो नहीं है, तो हम लिखेंगे सो इट इज नॉट, इट इज नॉट क्या चमका। अच्छा अब आ जाओ यार ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या दो कंडीशंस गिवन होती, तीसरी चेक करते, एक बात सुनो, 1,2 है
खत्म किस पे हुआ है? टू पे। स्टार्ट किस पे हुआ? टू से, ठीक है। तो टू कॉमा थ्री है, तो वन कॉमा थ्री होना चाहिए। क्या वन कॉमा थ्री है कहीं? नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? वन कॉमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट वन कॉमा थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। बस खत्म। एक नंबर का आएगा बस, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कंसेप्ट समझो बस, सुबह क्लियर है, पक्की बात है। बस ये आपको थोड़ा सा लिख कर आना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बता दो, हर्ष त्यागी बताओ, पक्की बात है? नहीं होगा। इनका क्वेश्चन तो क्या है? दीपांशु का क्वेश्चन ये, अगर सर अगर ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो क्या सर ये ट्रांजिटिव होगा? एक बात सुनो, ख़त्म किससे हुआ है? स्टार्ट किससे हुआ है? तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए इसके अंदर। अगर ए कॉमा सी नहीं है तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं। हाँ, लेकिन अब ये ट्रांजिटिव हो गया बेटे। केवल अगर एक है तो ये ट्रांजिटिव बाई डिफॉल्ट। क्यों? खत्म किस पे हुआ? बी से। दूसरा क्या था? स्टार्ट किस से होगा? बी से। वो है ही नहीं, तो जब नहीं है तो भैया दिमाग में डाउट आगा कि क्या पता होता, क्या पता नहीं होता। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, हम कहेंगे बाय डिफॉल्ट भाई साहब ये है ट्रांजिटिव। क्या चम का? अच्छा ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक रिलेशन है कि राम इज़ अ ब्रदर ऑफ राधा। सपोज मैं आपसे ऐसे कहूँ, राम इज़ अ ब्रदर ऑफ, रिलेशन है ये एक, तो क्या ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है? सोच के बताओ। राम इज अ ब्रदर ऑफ राधा, तो ये एक रिलेशन ही तो है, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? इतना सोचोगे बताओ। अरे नहीं है मेरे भाई, राम मतलब बॉय, राधा मतलब गर्ल, ये हो गया ना। ए ले लो राम और बी ले लो राधा, तो क्या बोला? राम जो है वो राधा का भाई है। अगला क्या होगा? राधा है वो राम की भाई है। ये तो गलत है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक में हमेशा ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लैंग्वेज वाले भी आएंगे। लेकिन अब ये बताओ आकाश, राम इज अ ब्रदर ऑफ राधा, ये ट्रांजिटिव है? राधा है, वेरी गुड, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है ये। अभी कराएंगे खैर, लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं हमेशा रखे मिलेंगे, लैंग्वेज पे भी मिल जाएंगे, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोई आके हटाओ इसे। चलिए जी भैया, देखो खैर ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एग्जाम्पल में लिख के भी बताया, लेकिन तीन चार क्वेश्चन आएंगे तो मैं तरीके से लिख कर दिखाऊंगा आपको, समझ में भी आएंगे और लिखने का प्रोसेस भी पता लग जाएगा। ये कह रहे हैं ये एक रिलेशन है, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और वो बिलोंग करते हैं जेड, जेड बोले तो इंटीजर्स में, ठीक है सर। कह रहे हैं क्या है रिलेशन, कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में दो नंबर ए और बी, कह रहे हैं उनका माइनस करो और टू से डिवाइड हो जाए, आपको ऐसे ही नंबर लेने हैं, ठीक है। अच्छा जेड होता है इंटीजर, कितने इंटीजर होते हैं? इनफाइनाइट, तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे उसको समझो। उससे पहले बेसिक सी बात बता दूं कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए और बी का माइनस करो उसमें टू से डिवाइड हो जाए, तो देखो भैया फोर माइनस टू एक ऑर्डर्ड पेयर, ये भी तो होगा इस रिलेशन के लिए, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये है रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या हो गई? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो गई। ऐसे ही और अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो भैया 0.2, 0 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर, इनका माइनस करो तो जो आंसर आएगा उसमें 2 का डिवाइड जाएगा ना, यस और नो? पक्की बात है। तो ऐसे आप मुझे ये बताओ क्या 1.1 होगा? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। गधे हो गया तुम, 1 से 1 के आंसर कितना है? 0, और 0 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं? बिल्कुल जाएगा, 0 में तो किसी का भी डिवाइड चला जाएगा यार, हाँ हाँ 0 आएगा बिल्कुल, तो 0 में तो किसी का भी डिवाइड चला जाएगा। तो क्या 1.1 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या 2.2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अब एक बात सुनो, 2.4.2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो 2.4 भी तो करेगा सेटिस्फाई। क्यों? आप कहोगे सर ये तो माइनस का 2 आएगा, अरे यार माइनस के 2 में 2 का तो डिवाइड जाएगा ना, माइनस प्लस की तो बात ही नहीं है, क्यों? इंटीजर तो दोनों होते हैं। तो आप समझ रहे होगे जो एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और देखो ट्रांजिटिव भी है। देखो कैसे, ये भी 2 ये भी 2, तो 2.4 है इसके अंदर, है ना। तो बस ये प्रूफ करना है,
मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया, बट अब हमको यार क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है। क्या हुआ? फोन मत यूज़ किया करो यार। अब हमको ये चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या फिर नहीं, प्रूफ करना, चेक नहीं करना। तो ये बात समझ गए ना आप लोग? चलो अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको देखेंगे। अब देखो वही रटी हुई लाइन है, वही फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मैंने समझाया था कि अगर कोई भी एक एलिमेंट ए है, अगर उस सेट में है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव है। ये तो आप सबसे पहले टीचर को बताओ, ये सबसे बेस्ट वे है रिप्रेजेंट करने का रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस को। फिर आप यहाँ पे उनको बताओ कि लेट ए बिलोंग्स टू सेट जेड, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चेक करेंगे ए कॉमा ए क्या होगा। तो ए कॉमा ए सुनो क्या होगा, अगर ए कॉमा बी है तो टू डिवाइड्स ए माइनस बी, अगर ए कॉमा ए है तो हम क्या लिखेंगे, टू डिवाइड्स ए माइनस ए, मतलब टू डिवाइड जीरो विच इज ट्रू। ये तो ट्रू है ना, जीरो में तो किसी का भी डिवाइड चला जाएगा, मतलब ये चीज़ ठीक है विच इज ट्रू। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? जैसे मैंने भी बताया था ना, वन कॉमा वन है, माइनस करेंगे जीरो आएगा। चलो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास गिवन है, फिर उसका उल्टा हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इसके लिए कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। हम इसको चेक करेंगे ऐसा है या फिर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट जेड सच, ये लाइन तो रटी हुई है भैया, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये तो लाइन आपको, ये तो आपने टीचर को कंडीशन बता दी कि हाँ भैया सिमेट्रिक का मीनिंग हमको पता है। फिर आप ये बताओ कि ए और बी हैं क्या, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो सेट जेड से बिलोंग करते हैं और इसको हमने लेट कर लेकिन एक होता है, तभी तो हम दूसरा चेक करेंगे। सिमेट्रिक होता क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा चेक करते हैं, मतलब ये गिवन होता है हमको। तो चलो अगर ए कॉमा गिवन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्वल का साइन लगा दो कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी। अब एक बात सुनना सारे बच्चे ध्यान से, टू डिवाइड्स एक ही तो बात है, क्या हो गया ए माइनस बी है, अगर कहीं लिखा है टू माइनस थ्री तो एक बच्चा माइनस थ्री माइनस टू, बात तो एक ही है, उल्टा करके माइनस लगा दे बात तो एक ही है। अगर 2 का डिवाइड a माइनस बी में जा रहा है तो 2 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, माइनस प्लस का तो कोई मीनिंग है ही नहीं। अगर 2 का डिवाइड 4 में जा रहा है तो 2 का डिवाइड माइनस 4 में भी जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है भैया। ये अब ये मत कहना सर वो माइनस है, अरे इंटीजर है ना, इंटीजर नेगेटिव होता है। चलो तो 2 डिवाइड्स माइनस बी माइनस ए, तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड करेगा b माइनस ए को भी, यस और नो, माइनस का तो कोई मीनिंग है नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। माइनस पे मत जाना, बार बार बोलो माइनस केवल साइन को इंडिकेट करता है, हमारा टारगेट है डिवाइड पर केवल, बस साइन पर हमको बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है सर। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज सिमेट्रिक। अब आ जाओ भैया फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, लिख दिया मैंने, बहुत सही सही लिख रहा हूँ, इस पहले बताना एक ही बोले के एस से पहले एन, ठीक। मैं चेक कर रहा था आप लोगों को याद है कि नहीं ना, हमारा क्या तुम लोगों को भी तो चेक करना पड़ता ना याद है कि नहीं है। चलो अच्छा ट्रांजिटिव, अच्छा इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें कहते हैं इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन r, अगर ये दो हैं भैया तब हम तीसरा चेक करेंगे क्या कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन r, यस और नो, कोई रटी हुई लाइन है यार। तो लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट z सच दैट, इस तरीके से लिया कि a कॉमा बिलोंग्स टू r,
एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब एक बात सुनो, अगर ए कॉमा बिलोंग करता है आर में तो इसका मीनिंग क्या है, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, यस और नो? चलो अगर बी कॉमा सी है तो टू डिवाइड्स बी माइनस सी। अब एक बात सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर 2 का डिवाइड, मैं समझा रहा हूँ, 2 का डिवाइड अगर 8 माइनस 4 में जा रहा है तो पक्की बात है 2 का डिवाइड 4 माइनस 8 में भी जाएगा, सिमेट्री वाली कंडीशन हो गई। चलो 2 का डिवाइड अगर 8 माइनस 4 में जा रहा है और 2 का डिवाइड अगर 4 माइनस 20 में भी जा रहा है, ठीक है, 2 का डिवाइड 8 माइनस 4 में जा रहा है, 2 का डिवाइड 4 माइनस 20 में जा रहा है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसमें भी तो 2 का डिवाइड जाएगा, यस और नो? फिर से समझो, 2 डिवाइड करता है 4 को और 2 डिवाइड करता है 10 को, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 14 में भी तो 2 से डिवाइड जाएगा, यस और नो? तो 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, 2 डिवाइड करता है b माइनस सी को, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो इनके ऐड का जो आंसर आएगा वो भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो इसे लिखो इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, यहाँ पे लिखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, यस और नो? तो b से b क्या हो गया, शहीद हो गया, इसका मतलब क्या निकल गया, सॉरी ए, बी से बी क्या हो गया, शहीद हो गया, तो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी और ए माइनस सी को डिवाइड करता है, मतलब ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। और कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या समझ आया? ये सबसे टफ माना जाता है चैप्टर वन में, इसीलिए सारे टीचर्स लोग बच्चों को सबसे एंड में पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी है। बट आप प्लीज़, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये दिमाग में नहीं आए कि ये चैप्टर सल्क है या ये चैप्टर लेजी वाला है। समझ आ रहा है? चार नंबर ये फ्री फंड गए आपके चार नंबर, क्योंकि या तो ये आएगा या फिर चैप्टर टू में एक आएगा, ऑन टू सॉन टू जो भी है, तो समझो बस इसको, कोई दिक्कत नहीं है तो छाप लो इसे, बिल्कुल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को करना तो बहुत दूर की बात, इसका मीनिंग ही समझ नहीं पाते हैं। तुम छाप लो, मैं साथ साथ हैं, जेरोक्स की दुकान खोल लो। देखो सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा इसका, किसे वो तो बताओगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, ये जो लाइन लिखी ना, इसका बच्चे मीनिंग समझ ही नहीं पाते। करोगे तो आप तब जब आप उसको समझ पाओगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक तो बच्चा कर लेगा। कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो चलो बता देते हैं एक बार, पहले इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको और समझाते हैं पहले, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। बोल क्या रहे हैं कि एक सेट है ए, इसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट है, 7 एलिमेंट्स है, तो कह रहे हैं ए कॉमा बी, इनके बीच में रिलेशन ऐसा है, बोथ दोनों ए और बी दोनों या तो ऑड हों या फिर इवन, दोनों या तो ऑड हों या फिर इवन हों, तो इन एलिमेंट को लेके कैसे रिलेशन बन जाएगा। देखो 1, 1 बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, दोनों ही क्या हैं, ऑड है। 2, 2 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, दोनों ही क्या है, इवन है। ऐसा नहीं बनेगा 1, 2, क्यों, इन्होंने बोला बोथ ए एंड बी, ए और बी या तो इवन हो या ऑड हो, बट यहाँ तो एक इवन है एक ऑड है, तो ऐसे नहीं बनेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा बन जाएगा 2, 4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इसमें हमारे पास 1, 3 बन जाएगा, तो इस रिलेशन को लेके हमारे पास ऐसे ही तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। समझ आ रहा है ना आपको? तो कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस है, और सही बात है यार, इक्विवेलेंस होगा। देखो कैसे 1, 1, 2, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2, 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बताओ 4, 2 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल होगी, दोनों क्या इवन है। अच्छा जी 1, 3 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, कह रहे हैं या तो दोनों इवन हो या फिर ऑड हो, तो 3, 1 की भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यस और नो? तो इस तरीके से लेके कब तक बनाओगे, तो उसी तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे जैसे हमने किया था। लेकिन क्या मतलब समझते हैं क्वेश्चन का, चलिए जी तब देख लो जरा, वही रटी हुई लाइन, फॉर रिफ्लेक्सिव, मैं बार बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा क्या, कि कोई भी एक सेट, कोई भी एक एलिमेंट है जो सेट में बिलोंग करता है ए में, तो भाई साहब ए कॉमा ए उसमें होना चाहिए था, ठीक है सर? तो लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब सुनो भैया, ए कॉमा ए का रिलेशन क्या होगा, लिखो यहाँ पे, बोथ
ए एंड ए आर ईदर ऑड और अब एक बात सुनो यार, सही बात है ना, विच इज ट्रू मैं लिखूंगा लेकिन उससे पहले समझा दूं आपको एक और मैं, ए जो लिया गया है वो इसी में तो लिया गया है, तो इस सेट के अंदर या तो ऑड है या फिर इवन है, तो सपोज अगर आपने वन लिया तो वन कॉमा वन हो जाएगा, टू लिया तो टू कॉमा टू हो जाएगा, तो या तो वो ऑड रहेगा या फिर वो इवन रहेगा, तो विच इज ट्रू, विच इज सो इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की लाइन क्या रटी हम लोगों ने कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो भाई साहब हम चेक करेंगे कि क्या बी कॉमा ए इसमें होगा, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ रटी है, हम लोगों ने समझी है रटी, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ समझी है ना एक चीज़, हाँ रटते नहीं है यार, तो चलो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ, इसको तो लिख ही लिया हम लोग एक तरह से मान लो। अब एक बात सुनो, तो ए कॉमा बी क्या है, ए कॉमा बी क्या है कि ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, ए कॉमा बी एक बात सुनो यहाँ पे बोथ और लिख दो, अगर ए और बी या तो ऑड हैं या फिर इवन है, एक बच्चा बोला है कि ए एंड बी सर या तो इवन है या फिर ऑड, ए कह रहा नहीं सर बी और ए या तो इवन है, बात तो एक ही है ना, अगर ए और बी इवन है या ऑड है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ भैया ये चीज़ कि बोथ बी एंड ए आर, कार लिख दिया मैंने चलाइए ना आर ई, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो कंडीशन तो सही है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज मैट्रिक, बस यही रटी हुई बात है यार, बच्चों वाली बात है, ठीक है सर यही। अच्छा अब आ जाओ फॉर ट्रांजिटिव, इसी में बताए तो क्योंकि मेरा मेन फोकस है इस चीज़ को समझाना, ये बच्चे समझ नहीं पाते, फॉर ट्रांजिटिव इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर पहली बार में लिख दिए देखो, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, फिर हम क्या चेक करेंगे सर, हम चेक करेंगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्या चमका वही सब रटी हुई लाइन है, ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए कॉमा बी एंड, अब एक बात सुनो, एक देखो ट्रांजिटिव में क्या है, ये दोनों कंडीशन गिवन होती हैं, मतलब ये दोनों इस रिलेशन पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है सर, अगर ए कॉमा बी है तो हम क्या लिखेंगे इसका मतलब, बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, अच्छा जी फिर बी कॉमा सी क्या होगा, बोथ बी एंड सी आर इधर ऑन, अब समझना भैया यहाँ से, अगर हमारे पास समझना बहुत ध्यान से, अगर ए जो है या बी या तो वो ऑड है या फिर इवन है, ठीक है, और ये हमारा बी या तो ऑड है या फिर इधर है, तो अगर हम इनको ऐड कर दें, ऑड में ऑड ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा, इवन में इवन ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा, इवन आएगा, सॉरी इट वाज ऑल बाय मिस्टेक, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो ए कॉमा सी ऑल्सो इधर ऑड और इवन, ठीक है, क्योंकि समझो इस चीज़ को कि ए और बी निकल के कहाँ से आ रहे हैं, आ तो इन्हीं में से ही रहे, आपको मैं समझाता हूँ चलो एक बार, क्योंकि लिखना सिंपल है, अगर मैंने कहा मान लो ई जो ए और बी है ये ऑड हैं, सना बात को ध्यान से, तो आगा समझेंगे बहुत अच्छे से, ए और बी ऑड हैं तो अगला जो इसके साथ रिलेशन लिया जाएगा वो भी तो ऑड ही होगा, क्योंकि ये ऑड है तो ये भी ऑड है और ये ऑड है तो सी भी तो ऑड होगा, तो अगर आप इनको ऐड करोगे ऑड में ऑड ऐड करोगे तो ऑड ही तो आएगा, इवन आएगा, ऑड में ऑड ऐड करेंगे तो। अब एक बात सुनो, अब आपको मैं सब थ्री और मैंने इधर क्या ले लिया, ऑड में क्या ले, फाइव ले लिया, पक्की बात है चलेगा ना ये, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑड है ना, आप ऐड इसमें लेके जा रहे हो थ्री प्लस थ्री और ये थ्री प्लस फाइव, इसमें नहीं लेके जाना है, क्यों ऑर्डर्ड पेयर ऐड कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पे टू प्लस थ्री तो ऐड हो जाएगा,
ऑर्डर्ड पेयर ऐड कैसे होंगे, तो आप ये चीज़ समझो, अगर ये दोनों हमारे पास ऑड हैं तो भाई साहब ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, बट लिखेंगे इसे ऐसे ही आफ्टर एडिंग द ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर ये और ये ऑड हैं तो भाई साहब ए और सी भी तो हमारे पास ऑड होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्लियर है। तो हम लिखेंगे ए कॉमा सी ऑल्सो इट, सो इट इज, इसी को समझो यार, ऑड उस पर मत जाओ। आप ये कह रहे हो कि 3+3 ऐड किया तो ये ना कर, तो ऑर्डर्ड पेयर ऐड कैसे करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ग्रुप में होता है ना, तो इसलिए मेरा कहना है कि ये अगर ये ऑड है तो ऐसा ये और ये भी तो ऑड होंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, कोई दिक्कत, ये थ्योरी लिख के आनी भाई साहब, और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, इससे क्या होगा, टीचर केवल ये देखेगा भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये देखेगा, इधर तो देखेगा भी नहीं, क्या बच्चे को जब ये पता तो ये तो लिखा ही होगा। लेकिन अब जो दिया गया आगे उसको देखो भाई साहब, मौत तो अब आने वाली है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें लिखने का बहुत कम है, सही बताऊं इस पूरे चैप्टर में लिखने का बहुत कम है, समझने का बहुत है। अब देखो ये बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि एक इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई ज्यादा इन्होंने कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया, इसमें से ऑड नंबर अलग निकाल लिए और इवन अलग निकाल के तुम्हें परेशान कर रहे हैं, क्या परेशान कर रहे हैं देखो जरा, ये कह रहे हैं कि जित ये जो और ये जो हमारे पास सेट है ना, इसके सारे सबसेट लिख दो, सबसेट लिखने आते हैं क्लास 11, कह रहे हैं इसके सारे सबसेट लिख दो, तो बोल क्या रहे हैं कि आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट 2, 4, 6 आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। अब ईच अदर का बच्चे मीनिंग नहीं समझ पाते, समझो इसका मीनिंग समझो पहले, कह रहे हैं इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो सब रिलेटेड है किससे, इस रिलेशन से, इस रिलेशन से रिलेटेड है, ये आपको दिखाना है भाई साहब। अभी बात सुनो, क्लास 11 में जाते हैं 1, 3, 5, 7 के सबसेट लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है सर, और 3 और 5 और 7, 1, 3, 3, 5 ऐसे कब तक लिखोगे, मैं केवल मीनिंग समझा, इनको तो लो मत, क्योंकि रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो, 1 और 3 दोनों ही ऑड हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ना, कह रहे हैं ए और बी जो होने चाहिए या तो भाई साहब ऑड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए। तो एक बात सुनो, अगर इस सेट में सारे ऑड नंबर हैं तो इनके सबसेट में भी तो सारे ऑड नंबर होंगे, मतलब इसके जो सबसेट हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लियर है, ये प्रूफ करना, अभी मैं समझा रहा हूँ केवल लिखने का, तो एक लाइन का पर इधर आ जाओ, 2, 4, 6 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब आपस में क्या हैं, इवन है, तो इनको लेके अगर आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो, जैसे 2, 4 बना दिया आपने, 2, 6 बना दिया आपने, 6, 4 बना दिया, तो देख रहे हो सबके सब क्या हैं, इवन हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं ना, ये आपस में इस रिलेशन को लेके रिलेटेड हैं, और सही बात है, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो सेट है और ये जो सेट है ये नहीं है, सही बात है, इसका रिलेशन इसके साथ निकालो, तो इधर इधर का कोई भी नंबर ले लो 1, इधर तो कोई भी ले लो 4, क्योंकि इधर तो ऑड है इधर इवन है, तो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। कह रहे हैं इनके और इनके बीच का रिलेशन निकालो तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा यार, इधर सारे ऑड हैं, इधर से कोई भी एक नंबर उठा लो और उधर से कोई एक उठा लो, तो एक ऑड है एक इवन है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ गए ना। अब एक बात देखो, समझाने में इतना टाइम लगा, अगर मैं अभी भी आपसे कहूँ कि आप समझ गए हो लेकिन इसे लिख दो तो आप लिख नहीं पाओगे, जबकि समझ गए हो आप, बहुत अच्छे से समझ गए आप, क्योंकि बच्चों वाली बात है, लेकिन बोर्ड में टीचर को समझाने तो आप जाओगे नहीं कि सर जब कॉपी चेक करो इस नंबर पे मिस कॉल मारो हम उपलब्ध हो जाएंगे, आपको भाई साहब लिख के आना पड़ेगा वहाँ पे, तो लिखेंगे कैसे उस चीज़ को समझो बस पहले हैं। तो बस कुछ नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले वाल का कि चलो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट कंटेंस ऑड नंबर्स, इसके अंदर सारे के सारे क्या ऑड नंबर्स हैं, तो इसके अंदर जितने भी सबसेट होंगे वो सब के सब ऑड नंबर को ही कंटेंस करेंगे, ऑड नंबर ही उनके पास होंगे ना, और ऐसे इसके लिए लिखो कि 2, 4, 6 ऑल्सो कंटेंस इवन नंबर्स इन देयर सबसेट विच फॉलोड द रिलेशन,
विच फॉलोड द गिवन. सिंपल सी बात है, कह रहे इनके जितने भी सबसेट होंगे उनके अंदर सारे के सारे ऑड नंबर होंगे, इनके जो भी सबसेट होंगे सबके सब क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, जो कि जो हमारा रिलेशन दिया गया उसको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन दूसरे वाले के लिए आप लिखो, दूसरे वाले के लिए यहां पे आप लिखेंगे हैज ऑड नंबर्स बट, गिर रहे हो क्या, इवन नंबर, सो देयर ऑर्डर्ड पेयर. Contains both even and odd, which is not satisfying the given relation. बस, which is not satisfying the given. एक example देना चाहो तो आप एक example देके आ सकते हैं, जैसे इधर से ले लो वन और उधर से आप ले लो टू, वन कॉमा टू. तो विच इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन रिलेशन, आप यहाँ पे बता दो दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन, ऐसे करके दिखा दो. बस बस ये थोड़ी सी दो तीन लाइन आपको लिख के आनी पड़ेगी, लेकिन मीनिंग है आपको ये समझ में आना चाहिए जो ये लैंग्वेज लिखी गई है. मेरा पूरा फोकस समझाने पे रहता है, लिखने का तो आप लोग लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत, कल मज़ा आएगा. 1.1 स्टार्ट होगा, अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे, बढ़िया तरीके से. अब चलो देखते हैं फाइनल.